नितिका दत्ता ने किया खुलासा, मिस इंडिया का ताज हाथ से निकल जाने के बाद मन में आने लगे थे ऐसे ख्याल। लाइफ ओके के शो ड्रीम गर्ल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली टेलीविजन अभिनेत्री निकिता दत्ता को छोटे पर्दे पर सोनी टीवी के सीरियल एक दूजे के वास्ते से काफी पॉपुलैरिटी मिली। छोटे पर्दे पर डेब्यू करने से पहले ही निकिता की दिली ख्वाहिश खुद को बड़े पर्दे पर देखने की थी और इस दौरान उन्होंने काफी ऑडिशन दिए थे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। यूं तो अभिनेत्री को 2014 में बॉलीवुड फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन पहली फिल्म से बड़े पर्दे पर ऑडियंस के दिल में उनका जादू कुछ खास नहीं चला। लेकिन 2015 में उन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिलनी शुरू हुई। उसके बाद निकिता फिल्म गोल्ड और कबीर सिंह में काफ़ी दमदार किरदार में नजर आई, जहाँ उन्हें ऑडियंस ने नोटिस किया। टेलीविजन से फिल्मी पर्दे तक अपने सफर को लेकर निकिता ने एक न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव मुलाकात की और उन्होंने उस मुलाकात में मुश्किल दौर से जुड़ी कुछ यादें साझा की है। निकिता कहती है कि मैं सबसे ज्यादा अपने मुश्किल वक्त को याद रखती हूँ। आज भी मैं उस बारे में सोचती हूँ जब मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। असल में यह 2012 की बात है। मैंने फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और सारे राउंड्स में बहुत कॉन्फिडेंटली क्लियर करती जा रही थी, और जब आप जीत के इतना करीब होते हैं तो जाहिर है कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूर जीतूंगी, लेकिन मैं मिस फाइनलिस्ट बनी और आखिरी दौर में मिस इंडिया का ताज मुझसे छूट गया और मैं मिस इंडिया बनते बनते रह गई थी। तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ होगा नहीं और शायद ये मेरा गलत फैसला था और अब मुझे वापस पढ़ाई करनी चाहिए। निकिता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि असल में उस वक्त मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस फील्ड में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिखर गया था। काफ़ी उधेड़ बुन में थी कि अब पढ़ाई शुरू करनी है, क्या करना है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक दिन मुझे ऐसी फीलिंग आई और मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आई जिसने कहा, यह वक्त दुखी होने का नहीं है, अभी इसी फील्ड में कोशिश करते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा।